अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट फयाज अहमद लंजवानी और आप देख रहे हैं लंजवानी टेक चैनल। तो दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी अच्छी खुशखबरियाँ देने वाला हूँ जो क्रिएटर्स हैं यूट्यूब के, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है और नॉलेजफुल हो सकती हैं। तो मिस्टर सौजान जो कि CEO हैं यूट्यूब के, उन्होंने बहुत सारे मुल्कों से, मतलब ये पाकिस्तान है, इंडिया है, यूरोप है, अमेरिका वगैरह, तमाम मुल्कों से जो टॉप के ब्रांड चैनल हैं या ब्रांड क्रिएटर्स हैं उनको बुला के उनसे मशवरे लिए हैं कि जो है ना किस तरीके से यूट्यूब पे बेहतरी लाई जा सकती है। तो उनकी जो मीटिंग का कंक्लूजन निकला है, उनका रिजल्ट निकला है जो मीटिंग का, बहुत अच्छा निकला है उन लोगों के लिए जो क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, जो नए हैं पुराने हैं उनके लिए, तमाम के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है दोस्तों। तो उस मीटिंग में जो पहली खुशखबरी आपको बताऊंगा वो ये है कि आप जो हमारे दोस्त, हमारे जो टॉप के क्रिएटर्स हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी ये रखी है कि ताकि जो है ना, बल्कि उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप जो है ना, हम लोग अपने कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक इस्तेमाल करते हैं अट्रैक्टिव कंटेंट बनाने के लिए, तो उसमें CEO साहब ने इस बात को माना भी है। उन्होंने कहा है कि जो इंशाल्लाह मैं यूज़ करते हैं अपने कंटेंट को बनाने के लिए, अपने कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, या आप जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए कॉपीराइट का मसला ना हो, और जो कॉपीराइट नहीं भी होती थी तो जो रेवेन्यू था उस वीडियो का आधा, उस मतलब पूरा का पूरा उस बंदे के पास चला जाता था जिसका बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ किया गया, या उसकी जो थोड़ी सी फाइल या थोड़ी सी वीडियो इस्तेमाल की गई है उसके पास रेवेन्यू जाता था। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप उसमें कॉपीराइट भी ना दें, मतलब ये है कि अगर आप उसको जो रेवेन्यू मिलता है उस वीडियो पे जिस पे जो है ना बैकग्राउंड म्यूज़िक इस्तेमाल किया गया या कोई भी वीडियो थोड़ा सा कंटेंट इस्तेमाल किया गया है, तो उसको रेवेन्यू को 50-50 कर दें ताकि हमारे पास भी आए और उनके पास भी जाए। तो उन्होंने कहा है बहुत अच्छी बात है, आप यूज़ करें, मतलब ये कि मैं इस पर कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह एक्सपर्ट बिठाऊँगा कि किस तरीके से आप उस कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स फेक चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब पूरा का पूरा कंटेंट भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन मैं इस पर इंशाल्लाह फॉलो अप दूँगा, अपने जो ब्रांड चैनल उनको बता दूँगा कि किस तरीके से जो है ना आपने उसको फुलफिल करना है। तो सेकंड में जो खुशखबरी थी वो थी जो किड्स चैनल हैं उन पे जो कंटेंट, जो कमेंट आते थे, जो फेक कमेंट होते थे या गालियां गलोच होती थी, वो डिसेबल हो जाती थी। तो यूट्यूब को उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे जो हमारे बहुत सारे जो कमेंट हैं वो मतलब डिसेबल हो जाते हैं, शो ही नहीं होते। तो यूट्यूब ने क्या कहा है, वो अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से वो उसको शो करवाएँगे, क्योंकि उसमें शो की एक पॉलिसी, मतलब यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि उसमें जो गंदे कमेंट होते हैं उनको शो नहीं करवाता। आप अगर आप करना चाह रहे हो तो आपकी सेटिंग यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी, मतलब ये कि जल्दी उसमें आप अपने उनको कमेंट को शो करवाना चाह रहे हो ना करवाना चाह रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं शो करवाना चाह रहे हो। जो तीसरी खुशखबरी है वो ये है कि आप जो है ना, उन्होंने ब्रांड चैनलों ने जो मीटिंग का कंक्लूजन निकाला है वो उन्होंने तीसरी जो कहा है वो उन्होंने कहा है यार सर जो है ना, हमारे जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स, टेक के ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो यूट्यूब पे नहीं आते, कभी कभार आ जाते हैं, कोई एक दो वीडियो आ जाए तो आ जाए, लेकिन जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं वो ड्रामा, TV, मतलब वीडियोज़ व्यूज़ या मूवीज़ वगैरह ऐसी होती है उनको ट्रेंडिंग में लिया जाता है, हमारे टैग की वीडियोस को ट्रेंडिंग में लिया ही नहीं जाता, हमारी कैसे हमारे प्रमोट होंगे। तो उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह अब जो है ना, नेक्स्ट से जो है ना हम कोशिश करेंगे कि ट्रेंडिंग टॉपिक में उन टेक्निकल वीडियोस को भी डालें जो मतलब ट्रेंडिंग में चलेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी तीन खुशखबरियाँ, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरियाँ हो सकती हैं, आप इन चीज़ों को आप यूज़ भी कर सकेंगे और आप इनसे अर्निंग भी कमा सकते हैं। आई होप कि आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें। मेरे वीडियो के हवाले से या मेरी किसी भी वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, साथ ही हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।